नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में लेकर के यूपीएससी एग्जाम में आने वाले जीके जीएस के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली यूपी पुलिस की परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 37 प्रश्न कराने वाले, 37 प्रश्न को करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, साथ में बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट में 30+20 स्कोर लेते हैं तो निश्चित ही आपकी तैयारी एक अच्छे मार्ग में चल रही है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने का इसे आप को जरूर शेयर करना, जिससे और भी सभी आपके छोटे भाई बहनों का भला हो जाए। तो चलिए शुरू करते आज का अपना 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन है पहला कि ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। तो ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, तो इसकी दरगाह है अजमेर में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में अगला कि महमूद गजनबी का दरबारी कौन था। तो महमूद गजनबी का दरबारी कौन था, तो यह दरबारी था फिरदौसी। महमूद गजनबी का दरबारी था ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि महमूद गजनबी के दरबारी इतिहासकार था। तो महमूद गजनबी के दरबारी इतिहासकार कौन था, तो यह इतिहासकार था उत्बी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कि भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया था। भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण या आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कि मंगोल शासक चंगेज खान ने भारत पर किस के शासनकाल में आक्रमण किया था। तो किसके शासनकाल में चंगेज खान ने आक्रमण किया था, तो यह आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कि महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था। तो महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था 1025 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कि शुद्ध अरबी सिक्के भारत में किसने जारी किए। तो शुद्ध अरबी सिक्के या सिक्के जारी किए थे भारत में इल्तुतमिश ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कि आपके सामने प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी। तो प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी कहां पर स्थापित किया गया। तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी कहां थी, तो यह राजधानी थी लाहौर में। लाहौर दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में अगला कि पद्मावत महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं। तो पद्मावत महाकाव्य के रचनाकार, तो ये रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कि प्रथम तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो प्रथम तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी या आक्रमणकारी था महमूद गजनबी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला आपके सामने कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक यह संस्थापक था मोहम्मद गोरी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 भारत में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था। तो भारत में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो यह संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कि भारत में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो भारत में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक या संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पागल सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है। आपको बताना कि पागल सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है, ऑप्शन चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में अगला कि दीवाने अमीर एक ही विभाग की स्थापना किसने किया था। तो किसने किया था इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना की थी
मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला 17वां, शहनामा के लेखक कौन है? शहनामा तो इसके लेखक हैं फिरदौसी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल बरूनी, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था? तो मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण या आक्रमण हुआ था 1175 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गजनबी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो मोहम्मद गजनबी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो यह आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो किताब उल हिंद के लेखक, इसके लेखक हैं अल बरूनी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उलूक खां की उपाधि किसे प्रदान किया गया? तो उलूक खां की उपाधि किसे प्रदान की गई? तो इसकी उपाधि प्रदान की गई थी बलवन को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है कि मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तो यह पराजित किया था चंदावर की युद्ध में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से हटाकर दिल्ली में स्थापित किया? तो किसने लाहौर से हटाकर के राजधानी दिल्ली में स्थापित की? तो स्थापित की थी इल्तुतमिश ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, महमूद गजनबी का भारत पर अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध में था? तो महमूद गजनबी का भारत पर अंतिम आक्रमण ये था जाटों के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो यात्री था मोरक्को का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक कौन था? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक था बहलोल लोदी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला के, सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? तो ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कि सिकंदर ईसानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने ग्रहण की? तो द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण करने वाला था ये था अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कि तोत ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध है? तो तोता ए हिंद के नाम से कौन प्रसिद्ध? तो ये प्रसिद्ध है आमिर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जौनपुर शहर को किसने बसाया था? तो जौनपुर शहर को किसने बसाया था? तो जौनपुर शहर को बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बलवन ने, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश, तो इसका अंतिम शासक था शमसुद्दीन कैमूर्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 34 लोहे एवं रक्त की नीति को किसने अपनाया था? तो लोहे एवं रक्त की नीति को अपनाया था बलवन ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में किया गया? तो किसकी याद में कुतुब मीनार को बनवाया गया था? तो याद बनवाया गया था बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार को बनवाया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है?
तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर है, तो ये मकबरा है लाहौर में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए। अगर आपने प्रैक्टिस सेट में 30+ क्वेश्चन सही कर लिए तो निश्चित ही आपकी तैयारी एक बेहतरीन मार्ग में चल रही है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।